राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में आयोजित राज्योत्सव अब 6 नवंबर तक चलेगा। वहीं राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का कल समापन हो गया। समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की। इस मौके पर अपने संबोधन में श्री बघेल ने कहा कि आदिम संस्कृति सभी को जोड़ने का कार्य करती है और उसके सांस्कृतिक मूल्यों को सहेजने के लिए राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया। सब साथी में भाग भी लेने कार्यक्रम में मुख्यमंत्री तो सब देश विदेश के कलाकार मन अपन भाग ले थे, लेकिन साथ साथ ये पंडाल के बाहर भी हम बहुत कलाकार मन अपन कार्यक्रम दे थे और कलाकार मन तो कार्यक्रम दे थे जे दिया दर्शक के रूप में सब लोग वहीं अपने संबोधन में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री बघेल छत्तीसगढ़ में ऐसे वर्ग को आगे बढ़ा रहे हैं जिनका सदियों से शोषण हुआ है। उनकी सरकार आदिवासी दलित और पिछड़े लोगों को आगे बढ़ाने के साथ ही सबके विकास के लिए कार्य कर रही है। इस अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने मुख्यमंत्री श्री बघेल के साथ विभागीय प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। नृत्य स्पर्धा में फसल कटाई की श्रेणी में पहला स्थान छत्तीसगढ़ के कर्मा नृत्य को मिला। वहीं दूसरे स्थान पर ओडिशा के ढेंगसा नृत्य को और तीसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश के गद्दी नृत्य को पुरस्कृत किया गया। विवाह संस्कार और अन्य श्रेणी में पहला स्थान सिक्किम को, दूसरा स्थान ओडिशा को और तीसरा स्थान झारखंड को मिला। विशेष ज्यूरी सांत्वना सम्मान पुरस्कार असम को और गुजरात को मिला। इसके अलावा विदेश से आए कलाकारों का भी सम्मान किया गया। इस मौके पर विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी भी पुरस्कृत की गई। पहला स्थान कृषि विभाग को, दूसरा स्थान ऊर्जा विभाग को और तीसरा स्थान वन विभाग को मिला।